हे गाइस, दिस इज विकी पटेल एंड यू आर वाचिंग विकी पटेल डांस। और आज से मैं एक डांस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है हाउ टू डांस। इसके अंदर मैं आप लोग को डांस के डी से लेके ई तक सब कुछ सिखाऊंगा। तो ये है उसका एपिसोड 1, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसको रेगुलर करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, जिसकी वजह से आपके डांस के स्टेप्स काफ़ी क्लीन एंड शार्प दिखेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए सीखना शुरू करते हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. तो एक्सरसाइज के अंदर हम लोग दो चीजें करने वाले, एक है रोटेशन एंड दूसरा है बॉडी स्ट्रेच। और उसके अंदर हम लोग जो मसल टारगेट करने वाले वो है नेक, शोल्डर, चेस्ट, ऑब्लिक, आर्म, वेस्ट, नी एंड फीट। तो शुरुआत करते हैं नेक से। हाथ यहाँ पर रख दीजिए। तो सबसे पहले राइट हैंड को यहाँ पर रखना है, स्ट्रेच करना है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चेंज करना है ऑपोजिट साइड लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4 अगेन फिर से करेंगे ये। 1, 2, 3, 4 फिर से करेंगे लेफ्ट साइड ये। 1, 2, 3, 4 साइड साइड करने के बाद हाथ यहां पर रख देना है। अब डाउन स्ट्रेच करना है 1, 2, 3, 4 अब करना है 1, 2, 3, 4 फिर से 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अब जब आप अप डाउन करते हो तब आपको उतना ध्यान रखना है कि आपका चीन यहाँ पर टच होना चाहिए, और जब बैक करते हो तो हेड पीछे बैक की साइड टच होना चाहिए। अब उसके बाद करेंगे रोटेशन नेक का। हाथ यहीं पे रखना है। अब पहले राइट से लेफ्ट ये 1, 2 अब लेफ्ट टू राइट 3, 4 अब फुल राउंड करना है 1, 2, 3, 4 अब यही चीज ऑपोजिट साइड करना है। पहले राइट साइड 1, 2 रिटर्न 3, 4 फुल राउंड 5, 6, 7, 8 अब ये करने के बाद हाथ को ज्वाइंट करके अब करना है। अब इसमें आपको हैंड को मूव नहीं करना है, हाथ को वहीं पे लॉक करना है, नेक को साइड टू साइड सीधा ले जाने का ट्राई करना है। साइड 1, साइड 2, राइट 3, लेफ्ट 4, अगेन 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पे ये नेक का मूवमेंट खत्म होता है। इसके बाद करेंगे हम शोल्डर का। हाथ को यहीं पे रखना है, शोल्डर को पहले करना है अप, अब पीछे स्ट्रेच करना है 2, अब रिलैक्स छोड़ देना है 3, अगेन करना है अप स्ट्रेच एंड रिलैक्स। फिर से करेंगे अप स्ट्रेच एंड रिलैक्स, अगेन अप स्ट्रेच एंड रिलैक्स। अब शोल्डर के बाद शोल्डर में सेकंड चीज करेंगे हम लोग, शोल्डर को अप डाउन, फर्स्ट राइट अप देन लेफ्ट अप। हाथ यहीं पे रखना है, फर्स्ट राइट साइड 1, लेफ्ट 2, राइट 3, लेफ्ट 4, अगेन 5, 6, 7, 8 यहाँ पे शोल्डर का खत्म होता है। अब उसके बाद करेंगे हम चेस्ट को। हाथ यहाँ पर कर दो। अब उसके बाद चेस्ट को पहले स्ट्रेच करना है आउटसाइड ये 1, अब इनसाइड 2, फिर से 3, 4, अगेन 5, 6, 7, 8 अभी यही चीज अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग साइड में साइड पोजीशन लेके आप लोगों को फिर से बताते हैं ये चेस्ट को किस तरीके से स्ट्रेच करना है, आपको किस तरीके से स्ट्रेच करना है। ये 1, ये 2 पूरा जितना हो सके उतना बाहर, ये अंदर, फिर से बाहर अंदर एंड लास्ट टाइम बाहर एंड अंदर। अब ये किया उसके बाद ये हो गया स्ट्रेच। अब करना है चेस्ट को पॉप 8 काउंट ओनली बाहर की साइड हीट करना है उसको 5, 6, 7, गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 ये हो गया चेस्ट का पार्ट खत्म। अब इसके बाद हम हाथ को यूज करेंगे, किस तरीके से हाथ का एक्सरसाइज करना है। पहले ये पोजीशन ले लेना है यहां पे राइट हैंड की। अब उसको टर्न करना है ये 1, वापिस करना है 2, ये करना है 3, 4, अगेन 5, फिर से 6, 7, and 8 अब लेफ्ट साइड पोजीशन लेना है इस तरीके से। अब करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 अब दोनों साइड करेंगे, दोनों हाथ को इस तरीके से पोजीशन ले लेना है। यस, अब साथ में करेंगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो हाथ की मूवमेंट है वो आपको
वैकिंग एंड लॉकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जितना करोगे उतना बेटर होते जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे साइड साइड ऑब्लिक का, तो हाथ को यहाँ पे खोल देना है। अब इसमें आपको लोअर बॉडी को मूव नहीं करना है, वेस्ट से नीचे उसको ब्लॉक करके रखना है, अपर बॉडी को साइड टू साइड मूव करना है, राइट साइड 1 then 2 ये 3 ये 4 करने के बाद राइट हैंड यहां पर, अभी यहां पे साइड स्ट्रेच करना है 5 6 7 8 8 करने के बाद वापस पोजीशन पे आना है। अब लेफ्ट साइड स्टार्ट करना है 1 then 2 3 4 करने के बाद लेफ्ट हैंड को लॉक करना है, अब यहां से साइड जाना है 5 6 7 8 अब साइड स्ट्रेच करने के बाद हम लोग बैक स्ट्रेच करेंगे, हाथ को यहां पे कमर पे, अब पीछे स्ट्रेच करना है 1 2 3 4 उसके बाद रिलैक्स छोड़ना है डाउन 1 2 3 4 फिर से एक बार करेंगे 1 2 3 4 डाउन 1 2 3 4 इसके बाद हम कमर पे टारगेट करेंगे, हाथ यहां पे होना चाहिए, राउंड करेंगे, पहले राइट साइड घूमेगा 1 2 3 and 4 अब रिटर्न आएंगे 5 6 7 8 इसके बाद नी को करेंगे, तो नी में फर्स्ट हाथ यहां पे रख देना है, अब इसको अंदर टच करना है दोनों को 1 2 अब यहां पे बैठना है 3 4 फिर से करेंगे 5 6 7 8 अगेन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करने के बाद ज्वाइंट कर देना है लेग को। अब पहले साथ में नी को टर्न करेंगे राइट साइड 1 then 2 3 and 4 वापिस लाएंगे 5 6 7 8 हम नी को खोलेंगे 1 2 3 4 अभी ऑपोजिट साइड 5 6 7 8 नी के बाद हाथ यहां पर, अब पीछे से अप करना है पैर को 1 then 2 3 4 अभी होल्ड करना है 1 2 3 4 तो यहां पर ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। आप इसको डेली करना है आप लोग को, और जितना करोगे उतना अच्छा है। हम लोग 4 काउंट किया, आप उसको 8 काउंट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो अगेन, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग एंड गुड बाय।